जी नीति राउत जी, मैं कमलाकांत बोल रहा हूँ। पहले तो आपको अर्गस न्यूज ओडिशा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैं पहले सिंधु के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। तो सिंधु पहले रियो में और अभी टोक्यो में, लेकिन क्या कैसे देखती हैं? बैड लक है फाइनल में पहुंचना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल जो कि दो मेडल जीते हैं बैक टू बैक। कैसे देखती हैं, बैड लक है सिंधु का या फिर अच्छा क्या, हमारे ओपोनेंट हमसे ज्यादा अच्छे थे? कमल देखिए, ये बहुत पहले तो सबसे बड़ी बात है कि कंग्रेचुलेशन पीवी सिंधु को कि उन्होंने ये जो है एटलीस्ट ओलंपिक में मेडल रिटेन किया है और 8 सालों में अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट बनाए रखना और उस रिदम को मेंटेन करके रखना ये इतना आसान नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से जो सिचुएशन सामने आई है वो काफी चैलेंजिंग रही है सभी एथलीट्स के लिए जी। तो स्पेशली शटलर्स के लिए वो काफी चैलेंजिंग रहा क्योंकि क्वालिफिकेशन की भी जब बात की तो काफी लेट से मौके मिले उनको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब पीवी सिंधु का मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल हुआ, कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन शटलर्स के लिए कि उन्होंने 2 ओलंपिक्स के दौरान लगातार मेडल जीता। एक बार सिल्वर 2016 में रियो में, उसके बाद उन्होंने 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब जो उनके सेमीफाइनल मुकाबले की उन सेमीफाइनल से पहले के मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं, ताइजू जिनका सामना उनका क्वार्टर फाइनल में, वो उनके लिए बहुत टफ कॉम्पिटिशन ऑलरेडी था। दोनों का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो 13-5 का था, 14-5 का हो गया। 13 मुकाबले जो है ताइजू जीती है पास्ट में अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेज में। तो ओवरऑल जो था वो कॉम्पिटिशन जो है पीवी सिंधु के लिए सचमुच बड़ा कॉम्पिटिशन था, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है पीवी सिंधु के लिए कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है और कम से कम भारत को एक और पदक दिलाया है। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ कलर ऑफ मेडल उससे ज्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए वो मेडल लेकर आई हैं और पीवी सिंधु का ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ी बात है भारतीय बैडमिंटन के लिए। जी जी, और इससे काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। जी बहुत बड़ी बात है। और फिर हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी फिर से हेडलाइंस बना रही है और बोथ मेंस और वुमेन्स में। तो आपको लगता है कि समय आ गया है 40 ईयर्स के बाद, तो बहुत बड़ा समय के बाद हॉकी फिर से दमखम दिखा रही है, तो ये टाइम आ गया है इतिहास बदलने का? बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास बदलने का क्या, मैं तो कहूंगी कि इतिहास ऑलरेडी हमने बदल दिया है। अभी जो हॉकी इंडिया कर दिखाई है ये जो है अपने आप में एक इतिहास है क्योंकि 41 ईयर्स के बाद आपको सेमीफाइनल्स के लिए आपने क्वालिफाई किया है पुरुष हॉकी ने, और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया वो काबिले तारीफ है। अगर आप देखें कि 1980 के मॉस्को गेम्स के बाद में ये दूसरा मौका है भारतीय पुरुष हॉकी के लिए कि वो सेमीफाइनल्स में अपना स्थान पक्का कर पाए हैं, और ग्रेट ब्रिटेन जैसी टीम को हराना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अभी आगे अब इनका सफर थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि अब जो उनका अगला मुकाबला है कमल वो है बेल्जियम के साथ में जो वर्ल्ड चैंपियन है। तो चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, हम यहाँ पर सेलिब्रेशन जरूर कर सकते हैं और बिल्कुल बनते सेलिब्रेशन की भारतीय हॉकी ने एक इतिहास रचा है, न केवल पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट है। और इससे इम्पोर्टेंट, हम जैसे पिछले कुछ समय से बात कर रहे थे भारतीय हॉकी मरता जा रहा है, भारतीय हॉकी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे चांसेस हैं, मेडल आने के पूरे चांसेस हैं, और आप देखिए ना कि एक जीत जो है लोगों की उम्मीद जगा देती है। हम बिल्कुल उसी सिचुएशन में इस समय भारतीय हॉकी के साथ में, और मुझे ये बिल्कुल क्लियरली लगता है कि जो भी भारतीय हॉकी ने अचीव किया है इसने इस इंडियन हॉकी को रिजुविनेट कर दिया है, एक तरीके से जीवित कर दिया है। अब पूरी तरह से भारतीय हॉकी में जान डाल दी आज की परफॉर्मेंस ने, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन है इंडियन हॉकी टीम को, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब बेल्जियम के सामने भारतीय हॉकी टीम आए तो वो मुकाबला भी जीत जाए और फिर हमारा मेडल तो कम से कम पक्का होना ही चाहिए, क्या कहेंगे जी। और एक बात, हॉकी की बात आ रही है तो जैसे कि उड़ीसा की बात हम अगर करें तो उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था, आप भी आई होगी शायद बहुत बार जी, जी। तो कैसे देखते हैं उड़ीसा में दूती चांद गई है, फिर हॉकी टीम में भी काफी सारे खिलाड़ी हैं, तो उड़ीसा को एज ए स्पोर्ट्स कैसे देखते हैं आप? दूती चंद का आना, उसके बाद में इंडियन हॉकी को आप देख लीजिए, तो आपके पास इतनी, जब आपके पास इतनी अच्छी टीम होती है ना, तो आपने जिस तरह से उसको प्रमोट किया वो भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टोक्यो ओलंपिक्स में आपका सबसे बड़ा सेटबैक कौन सा है, मतलब आप किससे ज्यादा उम्मीदें थी और वो पदक नहीं ला पाए या फिर वो
क्वालिफाई नहीं करते, ऐसे कुछ खास करके शूटिंग में देखिए दीपिका कुमारी रह गई, तो आपको आपके नजरिए से कौन सा सेटबैक भारत के लिए ज्यादा था? बहुत उम्मीदें थी लेकिन इस ओलंपिक्स में उन्होंने अच्छा नहीं कर पाए। कमल आपने जिक्र कर ही दिया कि शूटर्स का, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है कि शूटर्स का इतना बड़ा कंटिजेंट वहां गया लेकिन शूटिंग में अभी तक कोई मेडल नहीं आया। काफी निराशा लगी है शूटिंग के हाथों, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे हम भारत का मार्केट स्पोर्ट मानते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मेडल टैली देखेंगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, चाहे वो एशियन गेम्स की हो, चाहे वो ओलंपिक्स की हो, या फिर किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की हो, वर्ल्ड कप की हो, तो भारत ने जितने भी पदक हासिल किए हैं किसी भी बड़ी मेजर चैंपियनशिप में, उसमें सबसे ज्यादा मेडल जो है वो शूटिंग के हैं। तो शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिस पर हमेशा उम्मीदें बढ़ी रहती हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ समय में यंग शूटर्स ने जिस तरह से रेवोल्यूशन लाया है, बड़े बड़े वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल करती है, ऐसा नहीं है, काफी सारे शूटर्स ऐसे जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन रहे हैं, उनसे काफी उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इस टोक्यो गेम्स में वो काफी निराशाजनक रहा। और शूटर से उम्मीद जैसे अभिनव बिंद्रा का जो 2008 का गोल्ड मेडल है उससे काफी उम्मीदें जगाई है भारतीयों की शूटिंग को लेकर। उसके बाद 2012 में सचिन नारायण का ब्रॉन्ज मेडल आना, विजय कुमार का मेडल आना, 2004 में अपने राजवर्धन सिंह राठौड़ जो है फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनका मेडल आना, तो एक बहुत ही शूटिंग को हम इस तरह से देखते हैं कि शूटिंग में हमारा मेडल पक्का है। शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में 15 शूटर्स का वहां जाना और एक भी मेडल नहीं आना, ये सचमुच बहुत निराशाजनक है। मुझे लगता है कि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे न केवल मुझे, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। मेरे लिए सेटबैक है कि शूटिंग में हमारा कोई मेडल नहीं है, और न केवल मेडल लेकिन आप अपने बेस्ट पर्सनल बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, आपका जो परफॉर्मेंस है वो और गिरा है, तो कहाँ कमी रह गई है इस पर थोड़ी सी इससे बात करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लोगों को समझने में, मौका मिले का मौका मिलेगा कि शूटिंग कहाँ फेल हो रहा है, क्योंकि इसके बाद ये पूरे एनालिसिस होगा कि कहाँ पर शूटर्स जो चूक गए। लेकिन फिलहाल यही है कि शूटिंग शूटर्स हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में कुछ नहीं कर पाए जी। और अब जो है उम्मीदें भी पूरी समाप्त हो चुकी है शूटिंग इवेंट से, तो ये इकलौता स्पोर्ट है जहाँ मुझे लगता है कि कुछ जरूर आना चाहिए था लेकिन वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा जी। बहुत निराशा हुई है शूटिंग से, लेकिन फिर भी हॉकी से, बैडमिंटन से अच्छी खबर आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गस न्यूज से आपको बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्या जी। थैंक यू।